सोलंकी जी, आप एकात्म मानव दर्शन के बहुत विशिष्ट व्याख्याता रहे संघ में, जनसंघ में, भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर काम करने के पश्चात आजकल आप हरियाणा के राज्यपाल पद को सुशोभित कर रहे हैं। एकात्म मानव दर्शन बहुत व्यापक विषय है, लेकिन स्वावलंबन के प्रत्यक्ष में जो गंभीर विषय का प्रस्तुतिकरण जिन्होंने किया है, ऐसे श्री मुरलीधर राव जी, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, और आपके विद्वत्तापूर्ण भाषणों को सुनकर के मुझे लगा है कि महासचिव ऐसा ही होना चाहिए। प्रख्यात चित्रकार जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से श्रद्धेय नाना जी को नहीं देखा, सिर्फ उनका चित्र देखा, उनके विचारों को जाना, इससे उनको उनके प्रति प्यार हो गया और एक तेज चित्र का निर्माण कर दिया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और है कि श्रद्धेय नाना जी के प्रति, उनके विचारों के प्रति इसी तरह का प्यार संपूर्ण देश और विश्व का अगर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। प्रधान सचिव दीनदयाल शोध संस्थान श्री अतुल जैन जी, इनके नाम तो मैंने इसलिए दिए कि तीनों मंच पर हैं, लेकिन आप सब जो इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी इन्हीं के समान सब महत्वपूर्ण हैं। ऐसे उपस्थित सभी भाई और बहनों, जब बाहर बोलना होता है तो थोड़ा सरल जाता है, और जितना बाहर बोलना सरल जाता है उतना ही अपनों के बीच में बोलना कठिन जाता है। तो वैसी स्थिति कुछ आज है। लेकिन नाना जी की निन्यानवेवीं जयंती है, इसका मतलब जन्म शती उनकी आई गई, और पंडित दीनदयाल जी भी जन्मतिथि 25 सितंबर 1916 है, और अब 2016 भी आ गया, और इसलिए वय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से दोनों समकक्ष लगते हैं। ये होने के बाद भी विचार कितना महत्वपूर्ण होता है, कि जिन व्यक्ति को नाना जी ने स्वयं कानपुर में स्वयंसेवक बनाया, ऐसा ही है ना, उस समय श्रद्धेय भावराव जी देवरस वहां पर थे, लेकिन हम जानते हैं कि स्वयंसेवक बनने के लिए कोई ना कोई संपर्क सूत्र लगता है,
तो नाना जी संपर्क सूत्र थे। लेकिन एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ही हो सकता है कि कई बार गुरु चेला बन जाता है। और श्रद्धेय नाना जी ने उन्होंने जो विचार दिया इस विचार को क्रियान्वित करने में उन्होंने अपने जीवन का पूरा अंतिम हिस्सा लगा दिया। लेकिन मेरी मान्यता दूसरी है, जो एकात्म मानव दर्शन का विचार है ये वैकल्पिक विचार नहीं है। ये साम्यवाद भी नहीं है, ये समाजवाद भी नहीं है, ये पूंजीवाद भी नहीं है, ये वास्तव में मानववाद है। इसको बात तो इसलिए कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में जरा बात की चर्चा ज्यादा थी, सब इज्म की बात करते थे। और इसलिए पंडित जी ने कहा कि इज्म की बात अगर करनी है तो ये कहा तुम मानव की बात करो, मानवता की बात करो। वास्तव में तो ये दर्शन है। बात के बारे में जिसको इज्म कहते हैं ये एक समय विशेष के लिए सही होता है, इट इज ए क्लोज्ड बुक। उस समय आप उसका विचार करिए, आपको लगता है बहुत ठीक है, लेकिन समय बदलते ही उसमें बदल करना पड़ता है। इट इज नॉट ट्रू फॉर एवर, वो सनातन नहीं है। समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है, उसको बात कहते हैं। आज युग की सदी में कोई पूंजीवाद की बात कर सकता है, साम्यवाद की बात कर सकता है, लेकिन सारे के सारे बात ये मानव कल्याण के लिए है, ये मानव के उत्कर्ष के लिए है, मानव के उत्थान के लिए है। और इस उत्थान के पीछे एक ऐसा विचार जरूर है जो हमेशा सही होता है, उसको अगर निकाल देंगे आप तो मानव मानव नहीं रहेगा, जानवर हो जाएगा। इसलिए बीच बीच में जो धर्म की बात आती है ये धर्म वो नहीं है जिसको आप उपासना पद्धति कहते हैं, जिसको आप पंथ कहते हैं, जिसको आप रिलीजन कहते हैं, और जिसकी रिजिस्ट्रा जब आती है तो आप उसको कम्युनिटी कहते हैं। ये धर्म वो नहीं है, ये धर्म वो है जो आदमी को जानवर से अलग करता है। आहार निद्रा भय में तुरम जय समान मेतक पशु भी नाना, ये चार चीजें ये तो समान है, पशु में भी है और आदमी में भी है। हरेक को भूख लगती है, आहार चाहिए, हरेक को अपने भविष्य से आने वाले किसी आतंक से डर लगता है, थक जाने के बाद हरेक को निद्रा चाहिए, परिवार आप नहीं बसाएंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी, इसलिए संतान जरूरी है। तो ये तो बातें जानवरों में भी है। अगर कोई आपको पूछे कि आदमी और जानवर में फर्क क्या है तो उसे श्लोक के रचयिता ने कहा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म ही एक ऐसी चीज है जो अधिक है, जो आदमी को जानवर से अलग करती है। और एक धर्म अगर चला गया, धर्मेण हीना, अगर धर्म चला गया तो पशु भी नराना भी आदमी भी जानवर हो जाएगा। आप इस धर्म को क्या कहेंगे, आप इसकी समय के साथ बांधेंगे? धर्म में कोई स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप मानव हैं तो आपको मानवीयता माननी पड़ेगी, आपको इंसानियत माननी पड़ेगी। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, हर चीज का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। भगवान ने जब आपको आदमी करके भेजा है तो साथ में कोड ऑफ कंडक्ट भी दिया है। ये कोड ऑफ कंडक्ट मानिए। और इसलिए भारतवर्ष हमेरा कहता है कि मनुष्य का जीवन भगवान ने अगर दिया है तो भगवान ने एक जीवन पद्धति भी दी है, एक लाइफ सिस्टम भी दी है।
और इतना ही नहीं, तो भगवान ने कमाल किया है कि जब भी कभी ये लाइफ सिस्टम टूटी है, कभी भी जीवन पद्धति के अंदर कोई दखल आया है, इदा इदा धर्म से गिलानर भवित भारत अभ्युत्थान व धर्म से तदात्मान सृजा मैं परित्राणा साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, ये वो धर्म है। और इसलिए सिर्फ भगवान ने आपको जन्म दिया है मानव का, उतना ही नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट दिया है, वो ड्यूटी दिया। आप राइट टू लिव तो बात करते हैं, राइट टू एजी सुखेशन की भी बात करते हैं, राइट टू फूड की भी बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात भी करते हैं, लेकिन राइट टू ड्यूटी की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या सारे के सारे राइट आपको मिल जाएंगे? एक को अगर आपने राइट दिया है तो उसके राइट को रखे रखना ये आपकी ड्यूटी भी है। तो राइट एंड ड्यूटी बोथ रन टुगेदर। और इस परिप्रेक्ष्य में जब आप धर्म को देखेंगे तब फिर हमको समझ में आएगा कि वास्तव में मनुष्य के नाते हमारा कर्तव्य क्या है। और इसलिए ये चीज, अब एकात्म मानव, मुरलीधर राव जी ने बहुत सुंदर ढंग से स्वावलंबन की बात उसमें की है, लेकिन एकात्म मानव समझ में आता है क्या? इस एकात्म मानव का मतलब क्या है? एकात्म मानव छोड़ दीजिए, मानव के बारे में आप क्या सोचते हैं? मानव क्या है? कुछ तो कहते हैं इच्छाओं का पुतला है, इट इज ए बंडल ऑफ डिजायर्स, कुछ लोग कहते हैं इट इज एन इकोनॉमिक बीइंग, लेकिन भारत कहता है कि ईश्वर अंश जीव विनाशी। और इसलिए एकात्म मानव दर्शन के अंदर सबसे पहले इस मानव की परिभाषा की है, मानव ये शरीर मन बुद्धि और आत्मा चार का समुच्चय है। और चारों सुख की बात की है उसने, शरीर का सुख होता है, मन का सुख होता है, बुद्धि का सुख होता है और आत्मा का सुख होता है। किसी एक अंग का अगर सुख प्राप्त करेंगे तो उसे सुख होगा, उसी पार्ट विशेष के लिए होगा, लेकिन जिसको आप परम सुख कहते हैं, जिसको आनंद कहते हैं, परम आनंद कहते हैं, जिसको संपूर्ण सुख कहते हैं, वो अगर आपको प्राप्त करना है तो चारों का होना चाहिए। कई बार जो शरीर को जो चीज आपको सुख देती है वो शायद मन के विपरीत हो, कई बार जो मन के लिए जो इच्छा होती है उसको पूर्ति करते समय वो बुद्धि के विपरीत हो। आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं, आपने अच्छी दुकान देखी, गुलाब जामुन आपको पसंद है, दुकान पर देखा गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, फिर आपने जेब में आने वाला पैसा है नहीं, तो क्या करेंगे आप? कई बार मन में आता है कि कौन देख रहा है, चलो जाओ, होता है ना, कई बार इच्छा होती है ना, घड़प लो कोई चीज, आजकल तो वही होता है। लेकिन जब आप ये करते हैं तब आपको बुद्धि कहती है मत करो, ये ठीक नहीं। तो कोई चीज मन का सुख दे सकती है लेकिन बुद्धि का सुख नहीं देती। आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सुख नहीं चाहता है, लेकिन सुख हम समझते हैं क्या कि सुख है क्या? ये चारों सुख की परिभाषा अलग अलग है, लेकिन मैं एक उदाहरण देकर के आपको चारों सुख बताता हूं। रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास हुए, उनकी पत्नी रत्नावली थी, और में उनकी घटना क्या है, किसने प्रेरणा दी उनको रामचरित मानस लिखने की? अगर आपने तुलसीदास जी को पढ़ा होगा तो कथा पढ़ी होगी। रत्नावली श्रावण के महीने में सामान्यतः महिला अपने मायके जाती है, माँ के घर, पिता के घर जाती है, तो वो भी अपने तुलसीदास जी के यहाँ से श्रावण के महीने में घर चली गई। तो तुलसीदास जी उस वियोग को सह नहीं पाए, ये तुलसीदास जी थे।
और ऐसी सुंदर कथा है वो कि पत्नी से मिलने के लिए श्रावण के महीने में टूक वियोग नहीं सह पाए, घर से चले। श्रावण का महीना था, पानी बरस रहा था, नदी में बाढ़ थी, बीच में नदी आ गई। अब बाहर कैसे जाए, बाहर जाने के लिए नाव चाहिए, नाव आती है नहीं, कैसे पार निकलेंगे। तो कहते हैं कि उस नदी में एक डेड बॉडी बहती हुई आ रही थी, शव। उन्होंने उसको लकड़ी समझा। क्यों समझा लकड़ी? क्योंकि अगर डेड बॉडी समझेगा तो उनका उद्देश्य तो पूरा होगा ही नहीं, इसलिए उनको सब लकड़ी समझा, लकड़ी पकड़ करके बाहर हो गए। गांव में पहुंचते पहुंचते रात हो गई, दरवाजे सब बंद हो गए। अब क्या करेंगे, दरवाजे तो नहीं खुलेंगे, तो दीवार फांदी को ऊपर जाने की इच्छा की, जाएंगे कैसे, जो सर्प लटका हुआ था। उन्होंने सर्प को सर्प समझा, क्या क्या समझा, रस्सी समझा। आप देखिए तुलसीदास जी, तो ये जो सबको लकड़ी समझ रहे हैं, ये उनके एक प्रकार से चूक जा रहे, तो ये इंद्रिय सुख था उनका। सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए, ये भी उनका इंद्रिय सुख था। लेकिन ये जैसे ही ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने रत्नावली को देखा, तो उनके मन का सुख था, मन को बहुत संतोष हुआ। लेकिन रत्नावली ने क्या किया, उसने इतना जोरदार सबक दिया, लाज न आवत आपको, दौड़े आए साथ। क्योंकि उसके जाने के बाद तुरंत ही दौड़ कर गए वो। अस्थि चरम मैं देह मम, क्या कहूं मैं नाथ। और आगे का जो संदेश था वो ये था कि आप जितना प्रेम मुझसे कर रहे हो, इतना प्रेम अगर आपने भगवान से किया होता, राम से किया होता, तो आपका जीवन सफल हो जाता। ये जो रत्नावली का संदेश था उनके बुद्धि का सुख था। और जो बुद्धि के सुख का परिणाम क्या हुआ, तुरंत लौट करके चले आए, राम की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। ये उनका आत्मा का सुख था। सही परिभाषा तो सुख ही है। और इसलिए वास्तव में व्यक्ति उसको कहेंगे जिस व्यक्ति की ये चारों चीजें खुली हैं, उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि और आत्मा। आज का जो आदमी है, इसकी इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि वो इच्छाएं पूरी करते करते उसमें व्यसन हो जाता है, उसमें आदतें हो जाती हैं, और इच्छाओं के ऐसे बादल खड़े हो जाते हैं कि शरीर का संबंध मन से, मन का संबंध बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध आत्मा से नहीं रहता। ये आदमी अधूरा हो जाता है। आप कई बार अखबारों में पढ़ते होंगे कि बाप ने लड़के का कत्ल कर दिया, लड़के ने बाप का कत्ल कर दिया। कई बार आप पढ़ते होंगे पति ने पत्नी को मार डाला। ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी इच्छा जो आदत बन गई है, आपका व्यसन बन गया है, आप नशे में आ गए हैं, आपकी इच्छा इतनी प्रबल हो गई है कि आप मानवीयता भी भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं। और इसलिए वास्तव में जो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का जब विकास योग्य ढंग से होता है, तब फिर उसमें से जो व्यक्ति निकलता है वो व्यक्ति एकात्म मानव होता है, वो एकात्म है। डॉक्टर राधा कृष्ण ने जिसको आध्यात्मिक मानव कहा है वो क्या है, महर्षि अरविंद ने जिसको महामानव कहा है, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ये वही है। शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा, ये सब वही कोष है। स्वामी विवेकानंद ने मैन विद कैपिटल एम, और गीता के अंदर स्थिति प्रज्ञ, निष्काम, जिनकी कोई इच्छा नहीं है। आप जरा विचार करो, इस तरह का व्यक्ति अगर पैदा हो जाएगा तब क्या होगा, ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। और इसलिए सारी समस्याओं का अगर इलाज कोई है तो ये है। और इस तरह का व्यक्ति एकात्म जो खड़ा होगा तब फिर वो व्यष्टि होगा। और ऐसा व्यक्ति जिस समाज के अंदर होगा, और ऐसे समाज में सारे के सारे व्यक्ति जब इसी तरह के होंगे तो समाज कैसा होगा, और वो समाज फिर सृष्टि के बारे में विचार करेगा,
इसलिए शरीर मन बुद्धि और आत्मा व्यष्टि समष्टि सृष्टि और परवेष्टि इसको आप परमात्मा कहते हैं और ये तब होगा जब अर्थ और काम का उपभोग आप धर्म के आधार पर करेंगे। धर्म आधारित आपकी जीवन रचना होगी। ये है एकात्म मानव की कल्पना और ये वैकल्पिक विचार नहीं है, ये शाश्वत विचार है। अपने जितने शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, यहाँ तक कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी जो कुछ कहा है वो ये विचार है। और मुझे ऐसा लगता है कि 21वीं शताब्दी जो विकास की शताब्दी है, विकास की शताब्दी होने के कारण इट इज ए सेंचुरी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। और इतना ज्यादा आतंकवाद है, इस सब को दूर करने का अगर कोई इलाज है, कोई अगर दर्शन है, तो मानव को ये बताने की जरूरत है कि हम मानव है इसका मतलब क्या है। भगवान ने सिर्फ मानव हिंदुस्तान में पैदा नहीं किए, पूरे विश्व में पैदा किए हैं, सृष्टि की रचना की है, सारी सुविधाएं प्रदत्त की है, कोड ऑफ कंडक्ट दिया है, इसका पालन करने के पश्चात अगर आप उद्योग चलाते हैं, खेती करते हैं, सरकार चलाते हैं और भी कोई काम करते हैं, लेकिन इस आधार पर अगर आप करेंगे तब फिर विश्व का कल्याण होगा और वास्तव में सही विकास होगा। और इसलिए इस विचार को जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखा, और मैं तो सौभाग्यशाली इसलिए हूँ, इसका पहला ड्राफ्ट उनके 5-6 भाषण तो 1965 में हुए हैं, लेकिन पहला ड्राफ्ट जनसंघ की कार्यकारिणी में जो रखा गया 1964 में वो ग्वालियर में रखा गया, जहां का मैं निवासी हूं। ये वो एकात्म मानव दर्शन, और इसलिए एकात्म मानव दर्शन ये वैकल्पिक विचार नहीं है, ये शाश्वत विचार है, मानव के लिए बहुत जरूरी है। जरा आप एकात्म होकर के देखिए तो ये जो स्वावलंबन की बात है, जो आदमी एकात्म नहीं है, जिसे अपने पर भरोसा नहीं है, जिसकी मन बुद्धि आत्मा ठीक तरह से विकसित नहीं है, जो निष्काम नहीं है, जो इच्छाओं के वशीभूत है, आदतों के वशीभूत है, वो व्यक्ति स्वावलंबी हो नहीं सकता, वो हमेशा भिखारी रहेगा, हमेशा भिखारी रहेगा। जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में था तो जो लोग टिकट मांगने आते थे, तब मैं उनको कहता था भिखारी मत बनो, मास्टर बनो, डोंट बी बेगर बी मास्टर, अपने पर भरोसा करो, काम करो, टिकट मांगने की जरूरत नहीं है, खुदा आपके पैरों में आकर के गिरेगा। तो इसलिए ये स्वावलंबन भी उसी के पास आ सकता है जो व्यक्ति वास्तव में सही अर्थों में एकात्म है। और एकात्म सिर्फ व्यक्ति का नहीं है, समाज सृष्टि ये सब पूरी की पूरी एकात्म है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस दर्शन को कैसे आप छोड़ेंगे? और इस दर्शन का क्योंकि अभाव हो रहा है, उसी के कारण विश्व के अंदर सारे के सारे समस्या। हम सबका सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री अपने शब्दों में यही बात कह रहे हैं। पहले भाषण में संयुक्त राष्ट्र संघ में जब योग के बारे में बात करते हैं तो पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि मान्य योग विचार है। और योग कोई आज का नहीं है, योग से ही एकात्म मानव बनता है, मनुष्य की इंद्रियों पर नियंत्रण उसी तरह से होता है। और जहां तक जिस महापुरुष की जयंती है, तेल के चित्र का अनावरण हुआ है, नाना जी के बारे में अगर विचार करेंगे तो देखिए, एक तो लीडर होता है और एक स्टेट्समैन होता है और एक फाउंडर होता है। अब लीडर किसको कहेंगे, नेता किसको कहेंगे? नेता शब्द तो आजकल बदनाम हो गया है। लीडर हमेशा तत्कालीन बात सोचेगा, आज की आवश्यकता क्या है उसकी बात सोचेगा, आज की समस्याएं क्या है, लोग क्या चाहते हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आपको क्या करना चाहिए, इतने तक लीडर सोचेगा। और अधिक से अधिक लीडर के बारे में ये कहते हैं, लीडर थिंक्स फ्रॉम वन इलेक्शन टू अनदर। आज आप MLA बन गए, MP बन गए, सोचेंगे 5 साल बाद फिर लड़ना है, तो 5 साल का ही सोचेगा वो, दोबारा टिकट मिल जाए, टिकट मिलने के पश्चात मैं चुनाव लड़ लूं, जनता मुझे जिता दे, इतना ही सोचेगा, ये लीडर है। लेकिन स्टेट्समैन
statesman election to election नहीं सोचता, he thinks from one generation to another, वो पीढ़ी के बारे में सोचता है कि आज हमारे समाज की जो पीढ़ी है, आज हम जिन नौजवानों को देख रहे हैं वो किन बाधाओं से ग्रसित हैं, किन अनियमितताओं से ग्रसित हैं, किन न्यूनताओं से ग्रसित हैं और इनको दूर करने का क्या तरीका हो सकता है, और समाज के लोग जिन समस्याओं से पीड़ित हैं, चाहे वो खेती की हो, बिजली की हो, पानी का अभाव हो, वो कैसे दूर होगा, और दूर सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं होगा, तात्कालिक हल नहीं चाहता, वो चाहता है कि आगे भी बहुत 20 साल की योजना बनाता है, 20 साल में पीढ़ी बदल जाती है, तो स्टेट्समैन थिंक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। लेकिन जो फाउंडर होता है वो इसके आधार पर कोई न कोई चीज क्रियात्मक रूप से शुरू करता है, वो सिर्फ सोचता ही नहीं है, वो उसको क्रियात्मक रूप देता है। आप नानाजी देशमुख को कहां रखेंगे, लीडर तो थे, वो लीडर के सारे गुण थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की क्रांति में उन्होंने लाठी शायद खाई, हाथ तक टूटा उनका, सारे नेता उनको पसंद करते थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के तो बहुत प्रिय थे, लोहिया जी उनको पसंद करते थे, नेता तो थे, लेकिन मैंने जो परिभाषा की है उसमें आप मानेंगे उनको, फिर स्टेट्स में तो सिर्फ वो इलेक्शन की नहीं सोचते थे, अरे इलेक्शन की सोचते होते तो वो ये नहीं कहते कि 7 साल के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ दो, ये नहीं कहते, वो ये कोई लीडर नहीं कहेगा। आजकल लीडर की तो परिभाषा बड़ी विचित्र हो गई है, वो सोचता है कि मेरी लीडर से बाद में जाए, अगर मौत आ गया तो मौत पहले आ गया लीडर से उसके बाद, तो जब वो ये कहते हैं कि 60 वर्ष के बाद आप सक्रिय राजनीति छोड़ दो, और सिर्फ कहा ही था क्या उन्होंने, उन्होंने छोड़ दी। और जो काम उन्होंने शुरू किया उस काम पे जरा विचार करिए, तो वो लीडर भी थे, वो स्टेट्समैन भी थे, और वो फाउंडर भी थे, कि उन्होंने जो कुछ विचार था, दीनदयाल जी का जो कुछ विचार था उसको क्रियात्मक मॉडल देने के लिए उन्होंने चित्रकूट में जाके ग्रामोदय विश्वविद्यालय खोला। मैं तो फिर सौभाग्यशाली हूँ मध्य प्रदेश में है चित्रकूट, तो जरा मैं आपसे पूछता हूँ कि वो लीडर थे, स्टेट्समैन थे, क्रियात्मक रूप उन्होंने विचार को दिया, तो फाउंडर थे, वाटवाजी वो तीनों थे, तीनों मिलाकर के थे, और इसलिए वो राष्ट्रवेशी थे। और एक बात और अंत में मैं कह दूं कि ये देश पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब देश है, अजीब राष्ट्र है, पूरे विश्व के राष्ट्रों के इतिहास का आप अध्ययन कर लीजिए, प्रत्येक राष्ट्र का जन्मदाता कोई न कोई राजा है, किसी न किसी राजा ने राष्ट्र को जन्म दिया है, और भारत ही एक ऐसा देश है कि इस राष्ट्र का जन्मदाता कोई राजा नहीं है, इस राष्ट्र का जन्मदाता संत है, मनीषी, और इसलिए इस राष्ट्र का पता नहीं कब जन्मा, उन्होंने जन्म देने के बाद भारतवर्ष की पहचान क्या होगी, यहाँ की जीवन पद्धति क्या होगी, यहाँ का दर्शन क्या होगा, वो कोड ऑफ कंडक्ट भी दिया, और इसलिए पूरे विश्व में अन्य राष्ट्र राजनीतिक कहलाते हैं, भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है जो राजनीतिक राष्ट्र नहीं है, सांस्कृतिक राष्ट्र है, ये कल्चरल देश, जो आज कई राजनीतिकों को समझ में नहीं आता कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होता क्या है, और इसलिए भारतवर्ष को अगर जिंदा रखना है, जिसकी हमारे लिए जरूरत नहीं है, इस राष्ट्र के लिए जरूरत नहीं, पूरे विश्व के लिए जरूरत है, और श्रद्धेय नाना जी ने जो राष्ट्र ऋषि थे
उन्हें 1972 में दीनदयाल शोध संस्था के लिए स्थापना करके चित्रकूट ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करके उसको उन्होंने क्रियात्मक रूप दिया है। हम इसको अपनाएं, हर क्षेत्र के अंदर इसको लागू करें, और जैसा 21वीं सदी में नियति है कि पूरे विश्व में भारत सिरमौर होगा, हम इस विचार के आधार पर सिरमौर जरूर बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नाना जी के चरणों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्य स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और दीनदयाल संस्थान को धन्यवाद देता हूँ कि आगे प्रेरणा के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, आयोजन किया है और नाना जी के चित्र का अनावरण किया है। धन्यवाद। पहले तो मेरा जो निकट संबंध स्वर्गीय नाना जी से, पहले तो मैं संयोग के नाते या विद्यार्थी परिषद में कार्य करते हुए कई बार देखा मिला, किंतु संवाद और चर्चा करने का जो मुझे मौका मिला वो स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक के नाते जब मैं दिल्ली आया था, तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन में जो संवाद करना चाहिए ऐसे प्रमुख कौन है, तो उसमें स्वाभाविक रूप से नाना जी को मानते हुए मिलना स्वाभाविक होता था। तो स्वदेशी आंदोलन में कई बार उनके साथ मिलना, बातचीत करना और संवाद करना और कई पहलुओं पर चर्चा करने का मुझे मौका मिला। इस विचार आंदोलन में जिस प्रकार की भूमिका परम पूज्य गुरुजी की और उसके आलोक में या उनके विचार के मार्गदर्शन में या उनकी प्रेरणा से अपने देश में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए एक वैकल्पिक विचार के नाते एकात्म मानव दर्शन, एकात्म मानववाद को प्रस्तुत करने वाले दीनदयाल जी, और तीसरा इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए लगातार अलग अलग क्षेत्रों में मजदूर संघ, किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, इस प्रकार के कई क्षेत्रों में इसी विचार को विस्तृत व्याख्या उन आंदोलनों के दायरे में करने वाले विचारक के नाते स्वर्गीय दत्तोपंथी जी, ये एक तरफ हम देखते हैं। तो दूसरी तरफ स्वर्गीय दीनदयाल जी के इस दर्शन का राजनीतिक क्षेत्र से, दलगत राजनीति से विमुख होकर और इस लोकतंत्रीय राजनीति और उसके साथ स्वदेशी और स्वावलंबन जिसके माध्यम से एकात्म मानव दर्शन, एकात्म मानववाद का इस देश में एक व्यवहारिक स्वरूप खड़ा करना चाहिए, वैचारिक वाक्या और इस प्रकार की बात करना, ये एक तरफ है। तो दूसरी तरफ एकात्म मानववाद भारत के साहित्य से केवल कोई विस्मृत होने वाले उससे निकाला हुआ ऐसा नहीं है, अपने परंपरा में अभी भी ऐसी कई कड़ी हैं जो जीवंत है। स्वावलंबन के दृष्टि से, स्वदेशी के दृष्टि से एकात्म जो मानववाद की अलग अलग पहलू हैं वो सब इस देश में जीवंत है, ऐसे नहीं है कि अभी समाप्त हो गए और उसको फिर जीवंत बनाना है, कोई चीज अब बचा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज भी समाज ये सारे आक्रमणों के बाद, समस्याओं के बाद, स्खलन के बाद, ध्वस्त होने के बाद, खंडहर दिखाई देने के बाद भी कई जगह ऐसे इकाई खड़े हैं, पद्धतियां हैं और उसको और जोड़ना है, खड़ा करना है, युगानुकूल बनाना है और वर्तमान व्यवस्था के अंदर फिर से खड़ा करके दिखाना है। तो इसके लिए एक व्यवहारिक इस बात को, इस तत्व को मानते हुए इन चीजों को इकट्ठा करने का काम अगर किसी शिल्पी ने किया है, समाज शिल्पी वे हैं स्वर्गीय नानाजी देशमुख।
जैसे अभी बताया, तो गोंडा हो, भीड़ हो, उसके बाद चित्रकूट, सतना और चित्रकूट मध्य प्रदेश, इसमें अपने स्वावलंबन की संपूर्ण जो एकात्म मानववाद या अपने आर्थिक दिशा, आर्थिक चिंतन की दिशा, इसमें स्वावलंबन एक केंद्रीय कड़ी मानते हुए सारे तत्वों का साकार रूप अगर है तो वो स्वावलंबन है। व्यक्ति के स्वावलंबन, परिवार के स्वावलंबन, समूह समाज की स्वावलंबन, राष्ट्र की स्वावलंबन, फिर उसके आधार पर संपूर्ण मानवता की स्वावलंबन, ये एक दूसरे के परस्पर विरुद्ध या अलग रखने वाले कड़ी नहीं है और इसमें एक दूसरे के साथ कोई संघर्ष नहीं है। व्यक्ति के स्वावलंबन, परिवार के स्वावलंबन के बीच में कोई संघर्ष नहीं है, परिवार के स्वावलंबन समूह के स्वावलंबन के साथ कोई संघर्ष नहीं है, तो ये एकात्म दिशा है और एक दूसरे की पूरक है और एक के स्वावलंबन के लिए दूसरा एक सहयोगी है। तो इस प्रकार के बात को इस जीवन व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में फिर से जीवंत बनाना और युगानुकूल बनाना, उस दृष्टि से नाना जी ने कृतिरूप देने की जो कार्य है वो ही दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से कई जगह प्रयोग किए, लेकिन संपूर्ण विश्व में जानने लायक जो प्रयोग है और जहाँ चर्चा अभी भी हुआ है और बहुत सारे लोगों ने जो अपने विचार से जुड़े नहीं हैं लेकिन जाके देखने के बाद प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाए, ऐसे चित्रकूट। तो मैं स्वदेशी आंदोलन के काम किया देश भर में, मैं तो एक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में काम किया, उसमें एक स्वदेशी एक आंदोलनात्मक रूप है जिसके पीछे एक विचार है। उसी प्रकार स्वर्गीय नाना जी उसी विचार के साथ आंदोलन को उस प्रकार के राजनीतिक या सड़क पर ना लाते हुए, जो लंबे समय में एक अनुकरणीय उदाहरण खड़ा करना, उस दृष्टि से उन्होंने चित्रकूट में एक प्रयोग भूमि बना करके ये किया है। इसलिए स्वावलंबन एकात्म मानव दर्शन के, जिसको आप कहेंगे कि तात्विक जितनी भी हम बात करते हैं उसकी अगर कोई व्यवहारिक कड़ी है, उसमें महत्वपूर्ण कड़ी है, तो वो स्वावलंबन है। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन के संदर्भ में जब बात किया, उससे पहले भी एकात्म मानव दर्शन को, एकात्म मानववाद को 1965 में डॉक्यूमेंट के नाते प्रस्तुत करने से पहले, स्वीकृत होने से पहले भी उनके संबंधित ऐसे अलग अलग बातों को, वो राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद 1953 से लेकर लगातार कहीं ना कहीं इस विषय को बोलते रहे। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इस देश में एकात्म मानव दर्शन के संदर्भ में जब बात करते हैं तो चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्मार्थ, काम, मोक्ष, ये महत्वपूर्ण जब माना, तो उसमें व्यक्ति के सुख के लिए भी या परिवार के सुख के लिए भी, समाज के सुख के लिए भी जो केंद्र है वो केंद्र बिंदु, हम कुल मिलाकर के ये संपूर्ण व्यवस्था धर्म केंद्रित कहते हैं। भारत में धर्म का मैं यहाँ व्याख्या नहीं करूंगा, बाद में इसके बारे में बड़े विस्तृत उस पर बात करेंगे, लेकिन इस धर्म को टिकाए रखने वाला या धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो वो अर्थ माना। तो सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्था, इस प्रकार के जब आप कहते हैं तो अर्थ सबसे महत्वपूर्ण माना गया। पंडित जी ने अर्थ की बहुत विस्तृत विश्लेषणा की कि अर्थ के अभाव में व्यक्ति क्या कर सकता है, और अर्थ के जब अभाव होता है तो वो
क्षति किसकी होती है, नुकसान किसको होता है। तो व्यक्ति जीवित रहना है, व्यक्ति को विकास करना है और आपद स्थिति में भी व्यक्ति को जीवित रहना है। सर्वाइवल इज द जिसको पैरामाउंट धर्म, आदमी को जीवित रहना ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपद धर्म आ जाता है। आपद धर्म साधारण समयों के धर्म से भिन्न है। आपद धर्म में वो काम कर सकते हैं जो साधारण धर्म के समय में निषेध माना जाता है, और समाज के स्थायी विकास के लिए, स्थायी जीवन के लिए, समरसतापूर्ण जीवन के लिए जो निषेधात्मक माना जाता है वो सब किया जा सकता है आपद धर्म के नाते। तो उसमें हमने कहानी भी सुना है कि विश्वामित्र ने आपद धर्म के नाते क्या किया। तो इसलिए अर्थ के अभाव धर्म की क्षति करता है और आपद धर्म को जन्म देता है। तो इसका मतलब है कि जो वांछनीय धर्म है वो उस समय काम नहीं करता है। तो ये एक अर्थ की अभाव की स्थिति, ये व्यक्ति के लिए है तो वो समाज के लिए भी है, परिवार के लिए भी है, राष्ट्र के लिए भी। और उसी प्रकार अर्थ की अभाव की ही स्थिति नहीं होती है तो अर्थ की प्रभाव की भी एक स्थिति होती है। अर्थ अधिक हो जाता है, व्यक्ति के लिए भी अर्थ ही अर्थ, और कोई उसकी जीवन की कोई प्रेरणा नहीं है और उसकी कर्मों की कोई और प्रेरणा नहीं है। क्यों कर रहा है तो अर्थ उपार्जन, अर्थ कमाना ही उसका हमारा काम है। तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि अर्थ का प्रभाव है तो संपूर्ण क्रियाकलाप वो अर्थ के लिए करना शुरू करता है। तो ऐसे में कांचन प्रिय हो जाता है, धन प्रिय हो जाता है, फिर उसकी उपासक हो जाता है और उसकी बाकी जो संबंध, बाकी दायित्व, व्यक्ति के विकास के अन्य जो पहलू है, अर्थ तो एक पहलू है, तो वो सबसे विमुख होकर के अर्थ के ओर जाने लगता है। इसलिए अर्थ के अभाव और अर्थ के प्रभाव दोनों व्यक्ति से लेकर समाज और राष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए उस संदर्भ में धर्म की व्याख्या दीनदयाल जी ने किया। तो ऐसे में धर्मार्थ काम मोक्ष की जब वो बात करते हैं तो उस संदर्भ में अर्थायाम की व्याख्या बड़ी विस्तार से पंडित जी ने किया। तो उसमें जब हम बात करते हैं तो उसमें आगे जाकर पंडित जी के शुरू से लेकर एकात्म मानववाद की स्वीकृति से पहले शुरू से भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहते हुए उसके बाद उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के विश्लेषण के बारे में लिखा हो, रूबी डिवैल्यूएशन के बारे में भी लिखा हो, PL 480 की आयात के संदर्भ में लिखा हो, तो उन सब में बड़े विस्तृत रूप से स्वावलंबन की बात को और अर्थ के इस अभाव और प्रभाव से मुक्त रहने के लिए जो बातें कही तो उसमें सच कहा कि आखिर सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। आप जब स्वावलंबन के बारे में कहते हो कि भाई कर्म विहीन स्वावलंबन की कोई कल्पना नहीं हो सकता, इसलिए हर व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण में। और इसलिए पंचवर्षीय योजना के विश्लेषण के समय, लिखते समय से लेकर के एकात्म मानववाद के और अर्थायाम के पक्ष तक नीतिकारों का लक्ष्य होना चाहिए और सरकारों को चलाने वाले नेताओं का लक्ष्य होना चाहिए और समाज सेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं के लक्ष्य होना चाहिए कि संपूर्ण रोजगार, जिसको पूर्ण रोजगार। रोजगार का इसमें दो पहलू आते हैं। ये एक पहलू है रोजगार में सबको हर हाथ को काम मिलना चाहिए, लेकिन हर हाथ को काम मिलना चाहिए तो इसमें यानी श्रम सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थ की जब हम बात सोचते हैं तो उसमें कोई श्रम विहीन और श्रम से विमुख होकर के कोई अर्थ की कल्पना नहीं है, और श्रम दैविक संपत्ति है या दैविक गुण है। इसलिए
राइट टू वर्क जिसको हम संविधान में कहते हैं, तो कि राइट टू वर्क केवल ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस प्रकार से नहीं है, और इसमें राइट टू वर्क में राइट टू चूज द वर्क ये उतने ही महत्वपूर्ण है। तो यानी व्यक्ति को अपने विकास और अपने आविष्कार करने का मौका कब मिलता है, तो व्यक्ति को काम करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन वो केवल पोषण के लिए काम नहीं करना है, उसकी व्यक्तित्व विकास और व्यक्ति की उसकी आंतरिक चेतना के साक्षात्कार करने के लिए, आविष्कार करने के लिए उसकी उपयोगी कार्य। तो इसका मतलब है, तो काम के संदर्भ में जब उन्होंने कहा, तो ऐसे में इसी संदर्भ में स्वदेशी और स्वावलंबन इस सब बातों को करते समय विकेंद्रित विकास उसको बहुत महत्वपूर्ण बात कहा। पंडित दीनदयाल जी लिखते समय स्वावलंबन की, जब भारत के संदर्भ में स्वावलंबन इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है, उन्होंने कहा कि जिसको आप कहते हैं कि स्वामियों का देश है, ये मजदूरों का देश नहीं है और ये मालिकों का देश नहीं है, ये यानी मालिक यानी चंद करोड़पति या चंद अरबपति इस प्रकार के लोग, और वो संपूर्ण उत्पादन के स्वामी है। पूंजी रखने के मात्र से वो स्वामी हो गए, और पूंजी जिनके पास नहीं है, श्रम है, वो मजदूर हो गया। पूंजीपति स्वामी और मजदूर श्रमपति जो है वो मजदूर हो गए। ये हमारे स्वावलंबन के लिए आधार नहीं हो सकता। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था, जब हम स्वावलंबन की बात कहते हैं, तो स्वावलंबन में पंडित जी ने कहा कि ये अत्याधिक स्वामियों का देश है। इसको उन्होंने अलग अलग जगह कुछ कहा कि खेती है, तो देश में खेती जमींदारों की नहीं है, जागीरदारों की नहीं होनी चाहिए, छोटे किसानों का देश है, और इसलिए छोटे खेतियों को लाभकारी खेती बनाना और उनके लिए वहां पर आमदनी हो और वो उसके आधार पर स्वावलंबन खड़ा हो, ये देश की खेती इस प्रकार से है। और इसलिए उन्होंने बहुत विस्तृत लिखा है कि जिसको टेनेंट्स कहते हैं उनको कैसे अधिकार दिया जाए, जमीन के ओनर्स कैसे बनाए जाए, इस पर बड़े विस्तार से लिखा, और यहां तक कहा कि जमींदार और जागीरदारों को कुछ सीमा तय करके उसके ऊपर है उनको कोई कंपेंसेशन नहीं देना चाहिए, उसकी रिहैबिलिटेशन करना है करो, उसको कंपेंसेशन नहीं देना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार उन्होंने छोटे उद्योगों का ग्रामीण इस देश के आर्थिक जो स्वावलंबन है, वो स्वावलंबन जब हम सोचते हैं तो स्वाभाविक है वो ग्रामीण स्वावलंबन है। गांव अगर स्वावलंबी होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था स्वावलंबी होगी। कार्ल मार्क्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था कि हजारों वर्षों तक भारत की अर्थव्यवस्था जिसको सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस, उसको उन्होंने गुणात्मक पॉजिटिवली नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने लिखते समय उन्होंने उद्धृत किया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इतने सालों से एक एक गांव इस प्रकार से स्वावलंबी है, वो सेल्फ कंटेन्ड है, वो विश्व के साथ उसका कोई लेन देन नहीं, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पंडित जी ने जो बात स्वावलंबन के संदर्भ में जो कहा सोचा, तो उसमें यह है कि जिस प्रकार की खेती के संदर्भ में छोटे लोग, खेती करने वाले लोग, उनके आधार पर सोचना चाहिए और उनके स्वावलंबन ही अर्थव्यवस्था का आधार है, उसी प्रकार प्रदेशों में आपको पूर्ण रोजगार कब संभव है, सभी लोगों को काम देना यह कब संभव है, तो कुछ चंद कारखाना खोलने से, बड़े कारपोरेट को खोलने से, बड़े उत्पादन के मशीन लगाने से, मशीनों के आधार पर खेती और मशीनों के आधार पर उत्पादन करने से ये स्वावलंबन साकार नहीं हो सकता। जो स्वावलंबन, राष्ट्रीय स्वावलंबन कुछ सालों तक हमने हासिल किया कह सकते हैं,
लेकिन न वो राष्ट्र की स्थायी स्वावलंबन होगी और उसमें व्यक्तियों की और परिवारों की स्वावलंबन बिल्कुल संभव नहीं है। तो ऐसे में छोटे उद्योग, छोटे उद्योगों को महत्ता देना चाहिए और उसमें एक कहा है कि सहकारिता खेती की, जब कांग्रेस ने अधिवेशन में 1959 में जब रेजोल्यूशन पारित किया था तो उसके संदर्भ में सहकार खेती बनाम स्वामी युक्त खेती, भारतीय जनसंघ स्वामी वाले खेती को, यानी सब ओनर्स की। और उसी प्रकार छोटे उद्योगों के विषय में भी, स्वावलंबन के विषय में, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था में स्वावलंबन को स्थायी स्वावलंबन के नाते सुनिश्चित करने वाला, यह तभी संभव है कि जब छोटे उद्योगों को भारत में अहमियत देते हैं। आप देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय नहीं, आज भी अगर कोई अर्थव्यवस्था चल रहा है, रोजगार आज भी उपलब्ध हो रहे हैं, तो आज रोजगार में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, जिसको आप कॉर्पोरेट सेक्टर कह सकते हैं, बड़े सेक्टर कह सकते हैं, वो सब मिलाकर के 7 रोजगार देते हैं। 93% जो जॉब्स हैं आज भी, इतने निर्लक्ष्य करने के बाद, दुर्लक्ष करने के बाद आज भी रोजगार देते हैं, तो वो एग्रीकल्चर और स्मॉल टाइनी सेक्टर। तो ऐसे सेक्टर को हमें महत्वपूर्ण देना चाहिए। तो नाना जी ने दोनों बातों को, खेती को 2 एकड़, 1.5 एकड़ या 2.5 एकड़ की जो छोटे खेती है उसको लाभकारी कैसे बनाया जाए, तभी हम मॉडल खड़ा कर सकते हैं देश के कृषि के लिए स्वावलंबन का, मशीन से दूर किसानों के लिए। तो वो चित्रकूट में एक आधार बना। तो पंडित जी ने जो एकात्म मानववाद या आर्थिक नीति की दिशा में जो कहा, उसका व्यवहारिक रूप चित्रकूट में नाना जी ने देने का प्रयास किया। और उसी प्रकार जो छोटे उद्योगों के बारे में जो अर्थव्यवस्था का आधार माना गया, और जिस अर्थव्यवस्था के लिए पंडित जी ने जो कहा कि प्लानर्स को और लीडर्स को जिस पे इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में उन्होंने बिल्कुल विरोध करते हुए जो लिखा, और जिसमें बड़े कारखाने और बड़े मशीन व्यक्ति को विस्थापित करते हैं, विस्थापित काम नहीं देता, और जो पूंजी हमारे पास कम है उस पूंजी के संदर्भ में हम विश्व के अन्य देश जहां पूंजी है उस पर निर्भर होना होता पड़ता है, और बाहरी पूंजी पर निर्भर होने का मतलब होता है कि राष्ट्र की राजनीति में, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में दूसरों के हस्तक्षेप को मानना पड़ेगा। ये स्वैच्छिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र ये अलग अलग नहीं होते हैं, कि कोई डेमोक्रेसी डिविजिबल नहीं है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक अथॉरिटेरियनिज्म, इकोनॉमिक टोटलिटेरियनिज्म, ये एक साथ नहीं हो सकता, ये एक होना संभव नहीं है, ये गुणकारी नहीं है। इसलिए आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, हर व्यक्ति को जब वोट देने का बात करते हो तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, हर व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, तो बोथ आर इंडिस्पेंसिबल। तो ये पंडित जी ने कहा। तो इसके लिए दीनदयाल जी ने कहा कि उत्पादन अधिक होना चाहिए, लेकिन उत्पादन जो अधिक होना चाहिए वो अधिक उत्पादन अधिक हाथों से होना चाहिए, और वो स्वावलंबन का निकष है। वो तभी संभव होता है। तो उधर कृषि और इधर छोटे उद्योग इस देश के अर्थव्यवस्था का आज भी आधार है, तो वो उन्होंने विचार किया। उसमें पीएल 480 एक संदर्भ आया था, उस समय पीएल 480 किस प्रकार से हमारे देश के स्वावलंबन और हमारे देश के लोकतंत्र के लिए घातक है, उस पर एड के नाम से क्या होता है, ये सारे बड़ी विस्तार से उन्होंने लिखा था। और इसमें स्वावलंबन की जब स्थायी विकास, पंडित जी जब बात कहते थे तो एकात्म मानववाद का, जो मैंने अभी पहले वाक्य जो बात करते समय कहा कि व्यक्ति के स्वावलंबन, परिवार के स्वावलंबन, समाज के स्वावलंबन और राष्ट्र के स्वावलंबन और विश्व मानवली के स्वावलंबन, ये एक कड़ी है, इसमें कोई परस्पर विरोध नहीं है,
एकात्म मानवता के हमारे तत्व के दर्शन पर, जिसकी तात्विक पक्ष जो है वो अलग से रखने वाले हैं। तो ऐसे में स्वावलंबन के जब संदर्भ बात आती है तो अपने प्रकृति को हम और व्यक्ति के और प्रकृति के बीच में कोई एक ऐसा नहीं मानते। इसमें बहुत अपने आध्यात्मिक चिंतन है, मैं इस पर अभी विस्तार से अभी नहीं कहूंगा। भाई एक जगह पानी है तो उसमें ग्लास, ग्लास की पानी तो ग्लास की पानी कहते हैं, कहीं तालाब कहते हैं, कहीं नदी कहते हैं, कहीं और कुछ कहते हैं, समुद्र कहते हैं, पानी का अलग अलग नाम है। और कमरे के अंदर हवा है, बाहर की हवा है, और आकाश में भी हवा है, तो ये हवा अलग अलग बांधने से, अलग अलग नाम हो जाने से वो अलग अलग नहीं होता, एक है। उसी प्रकार एक घनीभूत तत्व मुरलीधर राव है और एक घनीभूत पंचभूतों का और आत्मिक तत्व अतुल जैन जी हैं, तो ये व्यक्ति का नाम अलग हो जाता है लेकिन विश्व की एकता इससे जुड़ी हुई है, तो ये कोई अलग नहीं है। तो अलग नहीं है सोचने वाले विकास के बारे में एक दूसरों को नष्ट करने वाला या अलग इस प्रकार के हम तो इसका उपभोग करेंगे, ऐसा उपभोग तत्व का प्रतिपादन नहीं कर सकते क्योंकि सब एक है, प्रकृति भी एक है। तो ऐसे में स्वावलंबन के संदर्भ में स्थायी विकास तभी संभव होता है जब वो स्वावलंबन को सुनिश्चित करता है, अन्यथा एक राष्ट्र अगर इस प्रकार के समृद्धि का केंद्र बने संपूर्ण विश्व में गरीबी छा जाए तो वो स्थायी विकास नहीं हो सकता। प्रकृति का इतना शोषण करके आप इकट्ठा कर लो तो वो स्थायी विकास नहीं हो सकता। तो 1965 में जो बातें अभी समाज में चर्चित नहीं होता था, आज यूएनओ से लेकर के गांव तक ऐसे स्थायी विकास के अलग अलग पहलू चर्चा में आ रहे हैं। खेती भी कैसा होना चाहिए, तो जीवंत ऐसे खेती हो कि जो 5000 सालों तक खेती चलते रहने के बाद भी जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त ना हो, ऐसी खेती हो तो वो स्थायी विकास। तो स्वावलंबन और स्थायी विकास ये अलग नहीं है। जहां स्वावलंबन है वहीं स्थायी विकास होता है, जहां संपत्ति है और श्रम साथ चलते हैं वहीं स्थायी विकास संभव है। पूंजी केंद्रित होकर के श्रम को दबाने वाला हो और श्रम को मजदूर बनाने वाला हो तो वो स्थायी विकास नहीं हो सकता, वो स्वावलंबन को सुनिश्चित नहीं कर सकता। तो ऐसे में सरप्लस वैल्यू, जिसके बारे में दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने कहा, जिसको सरप्लस वैल्यू के कारण ये वर्ग संघर्ष और ये बात कही, वो सरप्लस वैल्यू को किस प्रकार से वितरण करना चाहिए, तो इसलिए समान वितरण, समान वितरण के बगैर स्थायी स्वावलंबन और स्थायी विकास संभव नहीं है। इसलिए अपरिमित उत्पादन, समान वितरण और संयमित उपभोग, स्थायी स्वावलंबन संयमित उपभोग के बगैर संभव नहीं है। रेस्ट्रेंड कंजम्पशन, बैलेंस्ड कंजम्पशन, और उसमें ट्रस्टीशिप के बगैर संयमित उपभोग संभव नहीं है। इसलिए गांधी जी ने जो ट्रस्टीशिप कहा और हमारे ईशावास्य मिथुन सर्व में मां विदा कृष्ण सिद्धनम की जो श्लोक है उसमें, मेरे को जितना लेना है मेरे लिए उतना लेना है, मैं मालिक कितना बड़े का हो सकता हूं लेकिन मैं उसका ट्रस्टी हूं, इन रिसोर्सेस की मैं एक ट्रस्टी हूं, ऐसे भाव के बगैर स्थायी विकास संभव नहीं है। और स्थायी विकास स्वावलंबन को आप सुनिश्चित किए बगैर ये संभव नहीं होगा। इसलिए अभी तो बहुत मैं ये राजनीतिक मंच भी नहीं और राजनीतिक चर्चा के भी नहीं, तो अभी बहुत देश भर में चर्चा चल रही है कि टॉलरेंस और इंटॉलरेंस, विविधता और इस प्रकार की बहुत चर्चा है, प्लूरलिज्म। तो उसमें विविधता का पोषक ये स्वावलंबन अलग अलग पूरक उन्हें अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से व्यक्त करता है। यूनिफॉर्मिटी के आधार पर सोचने वाले कभी विविधता के पोषक हो नहीं सकते।
यूनिटी के बारे में सोचने वालों का विषय अलग है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी के बारे में सोचने वाले कभी भी विश्व की स्वावलंबन के पूरक नहीं हो सकते हैं। और राष्ट्र के अलग अलग तत्वों की पूरी सारे विविधताओं का जो स्वावलंबी इस प्रकार के आविष्कार के ये नहीं हो सकता। इसलिए अपने देश में 64 कलाओं का विकास हुआ है और इस प्रकार के समृद्धि का केंद्र बना है और आर्थिक व्यवस्था हजारों वर्षों तक विश्व के अंदर नंबर वन रहा है। 1945 में अमेरिका विश्व की नंबर वन बनी और 2015 में आते आते अमेरिका की अर्थव्यवस्था थकावट के संकेत दे रहा है, वो आने वाले दिनों में लगता नहीं है। तो ऐसे में जो हजारों से वर्षों से ज्यादा ये लगातार पूरी विश्व में एक कैप्टन या लीडर के नाते भारत की अर्थव्यवस्था रहा, तो और इस प्रकार के समृद्धि, इस प्रकार के कलाएं, इस प्रकार के साहित्य, इस प्रकार के ज्ञान के सारे विषय ये सब विकसित हुए हैं, तो ये संपूर्ण मानव की जो स्वावलंबन की जो प्रवृत्ति है और जिसके रहते वो विकास की अभिव्यक्ति होती है या आविष्कार होता है, तो उससे बगैर ये संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए पंडित जी एकात्म मानववाद के या अर्थायाम के बात करते समय जिसमें स्वदेशी और स्वावलंबन और उसको विकेंद्रित रचना, इसको बहुत महत्ता दिया। वर्तमान स्थिति में जैसे नाना जी ने चित्रकूट में एक रोल मॉडल खड़ा किया, यह संभव है और ये आज भी संभव है, सरकार के दुर्लक्ष के बगैर बाद भी संभव है। सरकार ने साथ नहीं दिया, कहीं कहीं सेकेंडरी इंपॉर्टेंस किसी व्यक्ति के संबंधों के कारण दिया होगा, लेकिन पॉलिसी उसके नाते कोई सरकार ने आगे बढ़ाया ऐसा नहीं। नाना जी ने इन सारे स्थितियों में स्वावलंबन वाला जो सूत्र पकड़ करके एक प्रयोग भूमि बना करके वहां छोटे उद्यमों का, ग्रामीण विकास का, ग्रामीण समाज के सारे जो अलग अलग पहलू हैं, न्याय व्यवस्था, इन सब को खड़ा करने का प्रयास। आज स्वावलंबन की दृष्टि से हमारे सामने उदाहरण 3-4 बातें मैं यहां कहना चाहूंगा कि आज आप देखते हैं संपूर्ण विश्व में उपजाऊ जमीन अधिक रहने वाला कोई देश है तो भारत है। 190 मिलियन हेक्टर की कल्टीवेबल लैंड, अगर हमसे बड़ा देश अमेरिका है, हमसे बड़ा देश चीन है, हमसे बड़े ऑस्ट्रेलिया है, बहुत है, लेकिन उनके देश बड़े हो सकते हैं, भूखंड बड़ा है, लेकिन देश के पास उपजाऊ जमीन जो है वो भारत में सबसे है 190 मिलियन। और हमसे बड़ा देश अमेरिका है तो उसका 177 मिलियन हेक्टर है, और उसके बाद और आता है तो चीन है तो 124 है, और रूस है 123 है, ऑस्ट्रेलिया है 56 मिलियन है, ब्राजील है 53 मिलियन हेक्टर है। तो आप इतनी बड़ा उपजाऊ जमीन रखने वाला देश हमारा है, पूरे विश्व को हम अन्नपूर्णा के नाते हम माने जाते हैं और हमने पूरा विश्व को खिलाया है, ऐसा देश कई वर्षों से हम आज दालें आयात कर रहे हैं। हम इतना बड़ा देश जो दाल इतना खाते हैं प्रोटीन्स की दृष्टि से और इतने खाने वाला आबादी, अगर हम लगातार अगर आयात करेंगे तो हम तो निर्भर रहेंगे, हमारा स्वावलंबन तो खतरे में रहेगा, PL480 वाला स्थिति रहेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरा है विश्व मानव के लिए भी दिक्कत होगा, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी बाजारों से जब खरीदने लगता है तो बाजार की भाव बहुत बढ़ेगा। तो पल्सेस की जो प्राइसेस है ग्लोबल लेवल पर आपको कंट्रोल करना है तो ये जरूरी है कि भारत के दालों को उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, स्वावलंबी बनाना। आज दीनदयाल जी के विचार पर चलना है तो स्वावलंबन को आगे बढ़ाना है तो स्वयंसेवी सेक्टर, लघु उद्योगों को प्राथमिकता देना होगा और स्वरोजगार और संपूर्ण रोजगार की दिशा में जाना है
तो हमें इस देश के छोटे उद्यमों को, ग्रामीण उद्यमों को छोड़कर नहीं सोच सकते। उसी प्रकार खेती की जो आज समस्या है उसको समाप्त करना है। चित्रकूट के प्रयोगों से सीख सकते हैं, ये आमदनी देने वाला छोटे खेती हो सकता है, तो जब चित्रकूट में हो सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता। तो ये स्वावलंबन का खेती दालों के विषय। उसी प्रकार तेल है, एडिबल ऑयल्स है, हम सबसे बड़े एडिबल ऑयल इंपोर्टर बन गए, तो ये नहीं चलने वाला है। तो ये दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है स्वावलंबन के विषय में, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था खेती के स्वावलंबन को हम सुनिश्चित करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे विश्व के बाजार पर निर्भरता कम होगी। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात स्वावलंबन की इस देश में चुनौती है, जो पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद पर चलना है, तो जो प्रयोग हुए हैं उसके आधार पर हो सकते हैं, तो ये दोनों तरफ है। तो तीसरा एक महत्वपूर्ण है इस देश के सामने चुनौती है, वो है संपूर्ण अगर रोजगार देना है, स्मॉल इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस देना है, तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा। विश्व के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब भारत नहीं बनेगा तो ना देश के स्वावलंबन सुनिश्चित कर सकते हैं, ना देश के हर हाथ को काम दे सकते हैं, और ना विश्व के लिए हम कुछ उदाहरण बन सकते हैं। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स आज हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ प्रतिस्पर्धा में है। पेट्रोल तो हम आयात कर सकते हैं, हम समझ में आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स ये हमारे लिए वर्जित होना चाहिए। हमारे पास पुरुषार्थ है, हमारे पास शिक्षित लोगों की संख्या है, हाँ, और हमारे पास आवश्यक इस प्रकार की उद्यमिता के गुण है, तो ऐसे में हम जल्दी इसमें, आप इसको मेक इन इंडिया कहो, आप कुछ और कहो, लेकिन और मुद्रा बैंक चलाओ और कुछ चलाओ, लेकिन हमें आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग हब इस देश में बनाना है, जो दीनदयाल जी के सपनों का, नाना जी के जो विचारों का, स्वावलंबन को हमें सुनिश्चित करना है। और अंत में पंडित जी ने स्वावलंबन के संदर्भ में कई बार विचारों से मेल खाता ऐसा नहीं लगता होगा, लेकिन स्वावलंबन सर्वोपरि है, सुरक्षा के दृष्टि से स्वावलंबन सर्वोपरि है, इसलिए कोई चीज ऐसा है बनाना पड़े तो बनाना चाहिए, तो इसलिए अनुभव के संदर्भ में उन्होंने कहा हमें अनुभव बनाना है। विश्व को इतने बार समाप्त करने वाले अनुभव अमेरिका के पास है, रूस के पास है, तो कोई युद्ध तो हुआ नहीं, अनुभव होने से युद्ध होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पंडित जी ने कहा, इसलिए अनुभव इस देश को बनाना है। तो हम तो अनुभव की दिशा में पंडित जी ने जब कहा तो नहीं किया, बाद में आगे बढ़े, किंतु आज उसके परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चीज है, इतना बड़ा देश, 125 करोड़ का देश, इतना बड़ा भूखंड और इतना बड़ा समाज जिसकी सुरक्षा की डेफिनेशन बदल चुका है। केवल सीमाओं के अंदर सुरक्षा नहीं है हमारी सुरक्षा, हमारे निवेश की सुरक्षा है, हमारे डायस्पोरा इतने लोगों की सुरक्षा है, हम यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनना चाहते हैं, तो विश्व की सुरक्षा में हम अगर जिम्मेवार भूमिका निभाना नहीं चाहेंगे, आप स्लीपिंग बैग्स इंपोर्ट करते हो, सैनिकों की जूते इंपोर्ट करते हैं, पिस्तौल राइफल इंपोर्ट करते हैं, ऐसा देश विश्व को कैसे चलाएगा। तो ऐसे में 48 बिलियन डॉलर पर ईयर हम डिफेंस का सबसे बड़ा इंपोर्टर हम बने, तो यह स्वावलंबन का उदाहरण नहीं हो सकता। सुरक्षा के विषय में दोनों है, आर्थिक दृष्टि से भी अवसर प्रदान करता है, इतने बड़े उत्पादन अगर इस देश में होना शुरू हो जाए तो हमारे बाजार हमारे लिए है, हमारे बाजार अमेरिका के लिए, हमारे बाजार चीन के लिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन, तो मेरा जो मानना है कि अपने जब स्वावलंबन करते हैं तो स्वदेशी और स्वावलंबन दोनों को हम साथ देते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि सोशलिस्ट में चलने वाले भी स्वावलंबन करते हैं, कैपिटलिस्ट कहने वाले भी कई बार स्वावलंबन कहते हैं, उनकी स्वावलंबन एग्रीगेट स्वावलंबन है, जो मैं स्पेशली बात अंत में कह रहा हूं कि एग्रीगेट स्वावलंबन है, यानी
दो चार मशीन जो है जितने चाहिए उतना उत्पादन कर ले, दो चार क्षेत्रफल है जो सारे देश की आवश्यकता उत्पादन कर ले, चार पांच मालिक है जो उत्पादन भी कर ले वितरण भी कर ले। ऐसे स्वावलंबन हमारे एकात्म मानववाद के अंतर की और देश के अंदर की जो अपने स्वावलंबन की परिकल्पना महात्मा गांधी जी और पंडित दीनदयाल जी की स्वावलंबन की कल्पना, नाना जी की जो स्वावलंबन की कल्पना वो है विकेंद्रित स्वावलंबन, और जिसमें व्यक्ति परिवार समूह अने जिसको गांव और जनपद में कह सकते हैं उसके संपूर्ण स्वावलंबन हर स्तर पर सुनिश्चित करना, तभी हर हाथ को स्थायी रूप से काम मिलेगा, कुछ दिनों के लिए और कुछ घंटों के लिए नहीं, स्थायी रूप से काम मिलेगा। व्यक्तित्व के विकास सुनिश्चित होगा और स्थायी विकास फिर से हजार सालों तक विश्वगुरु बने रहने लायक जो व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता करना संभव है। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि अंत में कि पंडित जी के एकात्म मानववाद के प्रस्तुतिकरण का 50वां वर्ष है, दीनदयाल उपाध्याय जी के 100वां वर्ष है, नानाजी देशमुख नानाजी के स्वर्गस्थ हुए हैं और वो होने से पहले अंतिम जितने साल उन्होंने एक तपस्या की है, वो इस पूरे एकात्म मानववाद का जो निचोड़ उसमें व्यवहारिक व्यक्तियों के लिए जो आवश्यक है उसमें विकेंद्रित और व्यवस्था और स्वावलंबन, ये दो उनको कड़ी माना, और इसलिए स्वावलंबन के लिए एक जीवंत उदाहरण खड़ा करके गया। इसलिए मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में स्वावलंबन के बारे में कोई इस देश के संदर्भ में पंडित जी के वाक्य को समझना है, तत्व को समझना है और जीवंत रूप से ये व्यवहारिक है ये होगा ऐसा समझना है तो उसको चित्रकूट जाके देख सकते हैं। ये बात कहकर मैं दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के आयोजकों को फिर से धन्यवाद देता हूँ। जय भारत।